So this is the video about the tractability of the engine. अभी इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर में मिनिमम स्पीड कितने पे चल सकती है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक। मैं क्रोम सीरीज चला रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट गियर में डाला है, ट्रैफिक नहीं है और इसको मैंने जाने दिया है। तो फर्स्ट गियर में ऑलमोस्ट मतलब मेरे को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। हाँ, सेकंड गियर में अगर मैं एक्सेलरेटर नहीं देता हूँ तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और हल्के हल्के झटके खा रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ, एक सेकेंड, थर्ड गियर, और थर्ड गियर में ये अगेन 15 किलोमीटर की स्पीड पे आके झटके खा रही है। अब अभी इसको हम थर्ड से फोर्थ गियर में लेंगे, अनबंसी गाड़ी कैसे रिएक्ट करेगी। ये छोटा सा मिनी स्पीड ब्रेकर है इसके बाद। हाँ, अब ये चौथे गियर में है, ये चौथे गियर में है और चौथे गियर में मैंने छोड़ दी है। अगेन हाँ बंद हो जाएगी, 20 से नीचे आ रही है अपने आप और लग रहा है बंद हो जाएगी। थर्ड गियर में 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर की स्पीड पे आ रही है बट बंद नहीं हो रही, चल रही है गाड़ी, बंद नहीं हो रही है, झटके खा रही है बट चल रही है। अब हम करेंगे इसको पांचवे गियर में ले जाएंगे और पांचवे गियर से फिर हम इसको लाएंगे नीचे, वहां से यूटर्न लेंगे हम। अब ये फर्स्ट गियर में हम ये हम चले, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर में 40 से ऊपर है और ये एक्सीलेटर मैंने छोड़ दिया विद माय हैंड और ये 20 से नीचे आ रही है, 20 पे आ रही है, 30 से नीचे होगी पांचवे गियर पे, ऐसा लग रहा बंद हो जाएगी। इसको थर्ड पे लाया मैंने, फोर्थ पे 20 से ऊपर है, झटके खा रही है मगर बंद नहीं हो रही है। हाँ मतलब फोर्थ गियर 20 किलोमीटर पे सेट है, बंद नहीं होगी इतनी स्पीड पे अगर आप चला भी लेते हैं। फिफ्थ गियर में जब आप गाड़ी को 50 किलोमीटर की स्पीड तक ले जाते हैं और एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं तो 40 किलोमीटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपकी स्पीड 40 किलोमीटर से नीचे आती है पांचवे गियर में तो गाड़ी झटके खाने लगती है और 30 तक आते आते ऐसा लगता है कि गाड़ी बंद हो जाएगी, तब वहां आपको गाड़ी को बंद करना, गाड़ी की गियर को एक लेवल नीचे करना पड़ता है, गाड़ी को फोर्थ गियर में लाना पड़ता है। और फोर्थ गियर में गाड़ी करीब 25-28 किलोमीटर की स्पीड तक चलती है, प्रॉब्लम नहीं देती, झटके खाती है बट बंद नहीं होती है। तो ये जो रेशियो रखा हुआ है ये साफ दर्शाता है कि विद इन सिटी एंड क्रूजिंग में जो राइडर्स जो यूजर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के कस्टमर्स होंगे, उनको विद इन सिटी एंड ऑन लॉन्ग रूट टूरिंग उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी।